रंगिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक भावेश कलिता जी मेरे साथ हैं। सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरकार में मंत्री हैं आप, कद आपका बड़ा है और मुकाबला यहां पर कड़ा है, तो कितना कॉन्फिडेंस है और क्या मुद्दा रहा जो आपने इस चुनाव में जनता के सामने लेकर गए और आपको लगता है जनता उस मुद्दे पर आपको चुनेगी? देखिए, बीते 5 साल में मैंने रंगिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितना काम किया यही मेरा मुद्दा है। मैंने जितना विकास किया 2001 से 2016 तक 3 कंजुकेटिव टर्म वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था। रंगिया विधानसभा नहीं, पूरा असम में कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग 5 साल ने जितना कर दिया उसके लिए हमारा जनता जो है ना, जो वोट मतदान वाला, वो लोग हम लोग को वोट डालेगा, बीजेपी को वोट डालेगा। पिछली बार की बात करें कलिता जी, तो 32,000 आपका लीड था, 33,000 आप कह रहे, 32,000 के अंतर से आप जीते थे। इवन लीड और ज्यादा होगा, 40 प्लस होगा मेरा लीड। लेकिन कैसे आपने जिनको हराया था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये चार चार पार्टियां जो है वो मिल करके एक उम्मीदवार इस बार दिया है उन्होंने? सुनिए, उन लोग के पास वोट नहीं है, पब्लिक जनता उस लोग के पास नहीं है, जनता भाजपा के पास है। हम लोग जितना किया औरतों के लिए, स्वयंसेवा प्रमुख के लिए जितना किया, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो किया, खेत में जो किया, इरिगेशन में जो, हेल्थ सेक्टर में जो किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो किया, इसके लिए वो लोगों ने हम लोग को वोट डाला। आपने किया होगा, लेकिन उन लोगों ने गठबंधन किया ना, गठबंधन का गठबंधन, ये महाजूट है, जूट नहीं, ये जूट है, जोत नहीं है, जूट है, ये महाजूट है, महाजूट है, माइनस माइनस प्लस है। सुनिए, वहाँ पे महाजूत में कौन कौन है? बीपीएफ है, सुनिए, बीपीएफ का गवर्नमेंट अभी नहीं है, यूपीपीएल बीजेपी का गवर्नमेंट है कोकराझार में, बीटीसी में, और देखिए कांग्रेस, कांग्रेस ने वो उसका उम्मीदवार ही नहीं। चलिए ठीक है, आप अपनी सीट पे कॉन्फिडेंट है, जो 39 सीट्स है टोटल, क्या फिगर रहेगा बीजेपी का? आज 30 प्लस आएगा, 30 प्लस आएगा। और सरकार हमारा होगा, हमारा जो टारगेट है ना 100% जो टारगेट, वही कंफ्यूजन है, अगर सरकार आपकी बनेगी सीएम, सीएम कौन होगा? वही कौन करेगा, हमारा जो पार्टी का कोर कमिटी है, हमारा बड़े बड़े नेता है, वो लोग डिसाइड करेगा। आपका आपके आपके आपकी इच्छा क्या है? मेरा इच्छा है अच्छा सीएम चाहिए, जो सीएम वो तो करेगा ना, जो जिसको बोलेगा हमारे ये होने वाले हैं, आज इसको देगा ठीक है। चलिए, अब पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, बहुमत आएगा, कह रहे हैं 39 में से 30 सीटें आएंगी बीजेपी को, और एक बड़ी चुटकी ली है और कहा है विपक्ष को कि वो महाजोट नहीं महाझूठ है, और उनका ये कहना है कि गठबंधन से कोई टक्कर नहीं है, पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीतेंगे। होगा या नहीं 2 मई को पता चलेगा, फिलहाल पूजा अर्चना कर लिया है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है, अब जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, रंगिया विधानसभा, कामरूप जिला, असम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।